किसान आंदोलन के बीच सोशल मीडिया पर अडानी समूह को पानीपत में एक बड़ा वेयर हाउस बनाने के लिए सीएलयू परमिशन का लेटर वायरल हो रहा है। चेंज ऑफ लैंड यूज परमिशन का ये लेटर मई 2020 का है, जबकि किसान कानूनों का शोर 2 से 3 महीने से ही शुरू हुआ है। इसलिए ग्रामीणों और किसानों के बीच बहस छिड़ी हुई है कि अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को सरकार अंदर खाने आगे बढ़ा रही है। किसानों और केंद्र सरकार में 3 कृषि कानूनों पर छिड़ी जंग के बीच आजकल हरियाणा में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पानीपत के गांव जोंधन कला और नौलथा में अदानी समूह को वेयर हाउस के लिए हरियाणा सरकार की ओर से 7 मई 2020 को सीएलयू दिया गया है। यहां अदानी समूह ने एफसीआई के लिए खाद्य पदार्थों को लंबे वक्त तक सुरक्षित रखने के लिए वेयर हाउस का निर्माण करना है। ग्रामीणों में ये चर्चा है कि किसान कानूनों का शोर तो 3 महीने से शुरू हुआ है, इसका मतलब सरकार अदानी के लिए अंदर खाते काम कर रही थी। सीएलयू की परमिशन का ये लेटर सोशल मीडिया पर चल रहा है। पानीपत के 2 गांव नौलथा और जोंधन कला में अदानी समूह ने 3 साल पहले 30 लाख रुपए और बाद में बढ़ी हुई कीमत पर करीब 100 एकड़ जमीन खरीदी। हालांकि ये जमीन सिंचाई के लायक नहीं थी। गौरतलब है कि अदानी समूह ने करीब 12 साल पहले कैथल ढांड कुरुक्षेत्र मार्ग पर सोनू माजरा गांव में इसी तरह का वेयर हाउस बनाया हुआ है, जहां आधुनिक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग और स्टोरेज का सिस्टम काम करता है। इन बड़े बड़े टैंकों में अनाज और कृषि खाद्य पदार्थों को मौसम के तापमान के हिसाब से सुरक्षित किया जाता है, जिसमें अदानी समूह एफसीआई के लिए सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहा है। अच्छा, जो काम के सोलू माजरा के जी, यहाँ पे जी रोजगार मिल गया इनके काम के ना, बढ़िया जी। ठीक है, जो आसपास के गांव है जी, उन्होंने भी रोजगार मिल रहा है जी। हैं, बाकी अपना जो मतलब यहाँ पे गेहूँ है अपना जो बेचनी है तो ना, जो अपना उसका जी पैसा गल की गल किसानों को दिया जाता है जी। ठीक है नी जी, मान ले टाइम के टाइम भी अपनी कड़क बेच सकता है यहाँ पर बंदा, कैश के लिए मिल जाएगा पे साथी मिल जाए जी, अगले बैंक में भी आ जाए पैसे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रहा, तो कोई परेशानी नहीं गई। भरी की तो लेते हैं खाली कितने जा ट्रैक्टर तोल देन, कभी मार के कंडा जाते रिजेक्ट हो गई है, ठीक नहीं जी फलाना टमकाना, ये सानू कोई फायदा नहीं। अपना जिमीदारा ना मंडी च कंडा तो ही वेख लें भी इन्ना बाद तोलता इन्ना घट तोलता, इतने की वेखिए। वैसे बदल रहे युग में ये नए तरह के बिजनेस मॉडल हैं। कंपनी का तर्क है कि हमने किसानों से मार्केट रेट पर जमीन खरीदी, सीएलयू में औपचारिकताएं पूरी की, सरकार को पूरी फीस दी, इसमें किसी को फिर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। कैथल में प्रोजेक्ट 12 साल पहले शुरू हुआ, तब इसे आधुनिक तरक्की का नाम दिया गया, पर अब किसान आंदोलन के चलते पानीपत के प्रोजेक्ट को लेकर अदानी समूह के बारे में बवाल छिड़ गया है। अदानी आया, अदानी आया। कैथल से सहयोगी नवीन मल्होत्रा के साथ पानीपत ब्यूरो से देवेंद्र कथोरिया।